यहां सोपोर के डांगीवाचा में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। अलबद्र के एक्टिव मेंबर हैं तीनों गिरफ्तार दहशतगर्द। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। अलबद्र दहशतगर्दाना तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों एक्टिव मेंबर हैं अलबद्र दहशतगर्दाना तंजीम के। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। फारूख खानी हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फारूख, 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया डांगीवाचा से, जरा तफसील से बताइए कैसे इत्तला मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को इनके बारे में, किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया? फारूख आप सुन सकते हैं हमें? हमारे नुमाइंदे से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सोपोर के डांगीवाचा में 3 दहशतगर्दों को अलर्ट किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। इन तीनों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। अल बद्र दहशतगर्दाना तंजीम से ताल्लुक रखते हैं तीनों दहशतगर्द। तीनों ही अल बद्र के एक्टिव मेंबरान हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। अल बद्र के मेंबरान हैं तीनों गिरफ्तार दहशतगर्द। तीनों ही अल बद्र नाम की दहशतगर्दाना तंजीम के एक्टिव मेंबर हैं। फारूख खानी हमारे साथी फोनलाइन पर मौजूद हैं। फारूख, 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया डांगीवाचा से, जरा तफसील से बताइए किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, सर्च ऑपरेशन के दौरान ये 3 मिलिटेंट जो है सक्रिय मिलिटेंट हैं, पिछले कई महीनों से सक्रिय थे उत्तरी कश्मीर सोपोर इलाके में और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे मिलिटेंटों को सहायता दे रहे थे। और एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जो 3 अलबद्र के मिलिटेंट हैं, 3 को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस भी रजिस्टर किया है। इनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस सारे मामले को देख रही है और केस भी दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। पिछले सप्ताहों में भी हमने देखा कि जिस तरीके से विभिन्न सर्च ऑपरेशन के दौरान 17 OGWs भी पकड़े गए थे जिनके पास भी कुछ हथियार और अन्य जो मटेरियल है वो बरामद किया गया था। तो इस तरह की जो कार्रवाई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के द्वारा वो फिलहाल जारी है और उत्तरी कश्मीर सोपोर श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे भी इस तरीके के सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, मिलिटेंट गतिविधियों को रोकने के लिए इस तरह के प्रयास जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा फिलहाल जारी है और इस मामले को भी अब संजीदगी से देखा जा रहा है और सारे चीजें खंगाली जा रही है कि क्या इसके पीछे कई और एक्टिव OGW तो शामिल नहीं है। इस बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जानकारी जुटा रही है। जी फारूक, बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद मिले हैं इन गिरफ्तार दहशतगर्द से, कुछ मालूम हुआ क्या किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे लोग? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज भी जारी किया और कहा कि ये जो मिलिटेंट गतिविधियां वहां पे हो रही थी सोपोर और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे, तो उसमें हाथ कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। और अभी हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जिस प्रकार से जो डिटेल सामने आ रही है उससे यही जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो मिलिटेंट पकड़े गए हैं अभी इनके बारे में जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस जुटा रही है और कहा जा सकता है कि जो अटैक्स हुए हैं जो सोपोर इलाके में इससे पहले भी कई तरह के ग्रेनेड भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर दागे गए हैं उनमें इनकी भूमिका हो सकती है। और OGWs भी जो बारामुल्ला सोपोर और कुपवारा क्षेत्रों में जो है इससे पहले पकड़े गए हैं और उनके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टिगेशन का ही ये नतीजा है कि ये एक्टिव अलबद्र के जो 3 मिलिटेंट हैं उनको फिलहाल जो है गिरफ्तार किया गया है और आगे की अभी कार्रवाई जारी है और इसमें कुछ मजीद इंकशाफ हो सकता है कि किस गर्ज से ये तीनों मिलिटेंट वहां पे सक्रिय थे, क्या कुछ बड़ा कोई प्लान था वहां पे मिलिटेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वहां पे कैंपस हैं या फिर नाका पार्टीज हैं उन पर अटैक कहीं ना कहीं जो करने की फिराक में ये थे उस बारे में जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस जुटा रही है। कल भी हमने देखा कि बांडीपुरा में जिस तरीके से अटैक किया गया सिक्योरिटी के ऊपर और उसके बाद 4 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकार थे वो उसमें
घायल हुए थे, एक शहीद भी हुआ था। तो उसने तो इस तरह के जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये अभियान छेड़ा है। साथ में सुरक्षा बल और सेना भी ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल हो रही है और इस तरह की कार्रवाई पुलिस के अनुसार आगे भी जारी रहेगी। जी तो फारूक, जिस इलाके में ये दहशतगर्द अरेस्ट किए गए हैं डांगीवाचा, क्या मिलिटेंसी के एतबार से ये पहले से हसास इलाका है? फारूक, आप सुन रहे हैं हमें? तो ये अपडेट दे रहे हैं आपको, शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर, सुपुर के डांगीवाचा इलाके में 3 दहशतगर्दों को अरेस्ट किया गया, इनसे बड़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए।